नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई उन देशों के बारे में जिनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, खास तौर से सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया देश को इंडिया के लिए एक मसीहा के तौर पे इंडिया के लोग ही दिखा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा सऊदी किंग लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर जहाँ पर भी उनकी सोशल आईडी है वहाँ पे वो सऊदी को एक इस तरह से दिखा रहे हैं इंडिया के लिए कि वो सऊदी को एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा मतलब एक वरदान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी का सबसे पहले तो बता दूं धन्यवाद हम करना चाहेंगे उन्होंने। कोई लोग बोल रहे हैं कि 80 टन ऑक्सीजन गैस दी है, कोई बोलते हैं 80 मेट्रिक टन दी है, जो भी है ठीक है, सऊदी का धन्यवाद कि वो भारत सरकार के लोगों के लिए 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवा दी है। जी हाँ, जो आपको पता है इंडिया में पहुंच चुकी है, इसके लिए सऊदी सरकार को धन्यवाद। लेकिन सऊदी को लोग एक हीरो के तौर पे इंडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और भाई नीचे कमेंट करने से पहले जानकारी है मेरे पास जो एक एविडेंस सबूत के आधार पे रखूंगा मैं, ये नहीं कि मुझसे बोल दिया, हर चीज़ का एविडेंस के साथ में हम बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखना कि क्यों लोग इंडिया के लोग सऊदी को इंडिया में हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने क्या किया है। सबसे पहले किसी ने भी मुझे नहीं लगता पिछले एक साल के दौरान इंडिया के बारे में कहीं पर भी सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी बातें लिखी हो, मुझे नहीं लगता। इंडिया ने बता दूं जब लोग विदेशों में मर रहे थे, इंडिया में कोरोना बहुत कम था, आप सबको लोगों को पता ही है कंट्रोल में था, ये अचानक से मार्च के बाद में बढ़ गया आप सबको पता है। 80 देशों को, कितने देशों को, 80, जी हाँ 80 कंट्रीज को इंडिया ने 6 से 7 करोड़ वैक्सीन गिफ्ट किए थे। जी हाँ, बहुत सारे, और वो देश जिंदगी में इंडिया का एहसान नहीं भूलेंगे। जी हाँ, एविडेंस के हम बात करेंगे इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से, जो इंटरनेशनल मीडिया क्या कहती है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि सऊदी अरबिया ने 80 मेट्रिक टन, ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इंडिया को दी है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में गैस की कमी है ही नहीं? सच्चाई तो ये कि कमी है ही नहीं। मैं बता दूं इंडिया में कितनी गैस लगती है पर डे की बात करें तो इंडिया में बता दूं 7000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए इंडिया में जो मरीज है उनके लिए, कितनी, 7000 मेट्रिक टन, ठीक है। और सऊदी ने कितनी टन दी है, 80 मेट्रिक टन, कितना डिफरेंस हुआ आप समझ सकते हैं कि पर डे इंडिया के मरीजों को 7000 मेट्रिक टन गैस ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। और सऊदी सरकार ने इंडिया के लिए 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा, अच्छी बात है। आपको क्या पता है कि इंडिया में बता दूं 7800 मेट्रिक टन पर डे उत्पादन की कैपेसिटी है इंडिया की। जी हाँ, उसके बावजूद इंडिया में गैस की ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन गैस की कमी क्यों आई, कमी नहीं है, इसका एक ही रीजन है कि इंडिया का जो एक ट्यूनिंग सिस्टम है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 50-60 देशों को मिलाओगे तब एक कंट्री बनेगी, ठीक है। तो दूसरे देशों के साथ इंडिया की कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, सऊदी दुबई कतर क्या है भाई, एक इंडिया का बड़ा शहर है ना, उससे आप दुबई की बात कर लेते हैं, 10 लाख पॉपुलेशन है, कहाँ इंडिया के बराबर आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसकी एक प्रॉब्लम इंडिया में ये बड़ी है कि सब कोई ऑक्सीजन फैक्ट्री कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई उनके ऑक्सीजन जो सप्लाई करने वाले अलग प्रकार के टैंकर है वो कहीं पड़े हैं कहीं, मतलब एक उसको सप्लाई का जो एक चैन होती है ना वो मैचिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से ही ओनली फॉर इंडिया में मरीजों के जो ऑक्सीजन गैस की कमी पड़ रही है। बाकी बता दूं 7000 मेट्रिक टन इंडिया में रोज चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस, और 7800 मेट्रिक टन इंडिया में उत्पादन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो ज्यादा आप ज्यादा दिमाग लगाते हो तो भाई ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, आप अपने स्तर पे पता कर लें। सऊदी अरबिया ने मात्र 80 मेट्रिक टन दी है जो इंडिया के एक दिन के लिए 10% मरीजों को भी काफी नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को। उससे पहले जब दुनिया वैक्सीन की मांग कर रही थी ना, इंडिया ने भाई सऊदी अरबिया को वैक्सीन पहुंचा दी थी, आप सबको पता होना चाहिए गल्फ देशों में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस वैक्सीन नहीं पहुंचाई हो, और वो ही नतीजा है आज इंडिया के सामने, इंडिया के पास वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलर और पावरफुल कंट्री हैं सब आगे खड़े हैं सहायता के लिए। जी हाँ, हर कंट्री का मैं एविडेंस के आधार पर आपके सामने रखूंगा, आप वीडियो पूरा देखिए भाई, पहले कमेंट मत करना, वीडियो पूरा देखिए। एक सऊदी को लोग हीरो की तरह पेश कर रहे हैं उसके भी मैं स्क्रीनशॉट आप सब मैं देख रहा हूँ यार 4-5 दिन से, हालांकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन 4-5 दिन से सऊदी इंडिया के लिए ये किया वो किया, देखिए आप, जबकि और जो देश है उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया उससे भी आपको जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि इंडिया का एहसान सभी देशों के ऊपर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल है यूएसए, अमेरिका,
ठीक है, उस वो भी उसके बयान भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। बाइडेन ने अपने खुद कबूल किया है कि अमेरिका मुश्किल हालात में था तो भारत ने उनकी मदद की थी, वे दवाई वगैरह इंडिया की सरकार ने यूएसए को भेजी थी, वो एहसान आज भी वो मानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा भारत एक ऐसा देश है किसी भी देश से नगद में सहायता नहीं लेता है, पाकिस्तान जैसे सहायता लेता है ना, इंडिया नहीं लेता, आप इसको बात को ध्यान रखना है भाई। हाँ ठीक है, कुछ उपकरण है, दवाई वैक्सीन वगैरह, वो ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। कुछ देश ने पैसा देने की कोशिश की है, कैश पैसा नहीं लेता है। हाँ ठीक है, बिटकॉइन के जरिए या कोई रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए वो पैसा दे सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी आप पता कर लेना भाई। फर्स्ट बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। जी हाँ, कनाडा ने अपने बयान में बताया कि भारत का वैक्सीन का एहसान चुकाने का समय आ गया है। जी हाँ, $1 करोड़ लगभग इंडियन करेंसी की बात करें तो 75 करोड़ करेंसी की देने की पेशकश की है कनाडा सरकार ने इंडियन सरकार को। जी हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड रेड क्रॉस के माध्यम से देगा $10 लाख। न्यूजीलैंड, आप ये न्यूज है आप देख सकते हैं, $10 लाख देगा कौन? न्यूजीलैंड। जी हाँ, जो न्यूजीलैंड करेंसी के हिसाब से लगभग 60 लाख रुपए बनते हैं। जी हाँ, रेड क्रॉस के जरिए देगा डायरेक्ट, इंडिया किसी भी देश से सहायता नहीं लेता है, ये हमारे देश का हमारा स्वाभिमान है, इसको आप मान सकते हैं। जी हाँ, यूएन आपको पता है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सभी देशों का सबसे पावरफुल संगठन है। उसने अपने बयान में बताया कि इस देश ने, इंडिया ने सभी देशों की मदद की है, अब सभी देशों की बारी है कि वो इंडिया की मदद करें, ये उनका बयान है। जी हाँ, यूएन ने भी की है भारत को मदद करने की पेशकश, संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ साथियों, आपको पता है भाई पूरे जो देश हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल बॉडी होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन बना हुआ है, वो भी भारत के संपर्क में है कोरोना महामारी को लेके, उनको वो भी पूरा गाइड उनकी नजर में हो रहा है कि भाई कैसे क्या स्थिति है भारत की। जी हाँ, भारत की सपोर्ट की अगर बात करें तो सिंगापुर ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर भेज चुके हैं। जी हाँ भाई, सिंगापुर सरकार ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए हैं, क्योंकि सिलेंडरों की भी इंडिया में कमी पड़ रही है। हालांकि कमी नहीं है इंडिया में सिलेंडरों की, लेकिन वही बात है भाई, जिन लोगों को सिलेंडर दिए थे ऑक्सीजन के लिए, वो लोग बहुत सारे लोग ये स्थिति है कि घर पर रख लिए दबा के कि कभी भी हमें जरूरत पड़ गई। जैसे हम गैस सिलेंडर होता है किचन में काम में लेने वाला, वैसे ही वो लोग भी सिलेंडर रख लिए, इस वजह से गैस सिलेंडर थे ऑक्सीजन इनकी कमी पड़ गई। सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को सिलेंडर भेज दिए। जी हाँ, चिकित्सा सामग्री, अगर दक्षिणी कोरिया बात करें तो चिकित्सा सामग्री भेजेगा दक्षिणी कोरिया की सरकार ने बयान जारी किया है। आगे हम बात करें, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पीपीआई किट भेजेगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि भाई भारत के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन वेंटिलेटर पीपीआई किट वगैरह सब जितने भी ये चिकित्सा सुविधा है ऑस्ट्रेलिया सरकार इंडिया को भेजेगी। जी हाँ, आगे बात करें तो रूस की वैक्सीन है भाई, आपको सबको पता 1 मई को इंडिया पहुंच जाएगी, जैसा कि रूस ने वादा किया था इंडिया के साथ में। जी हाँ, WHO की बात करें, जी स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो भारत को मदद भेज रहा है WHO संगठन। जी हाँ, जर्मनी की बात करें तो भाई भारत की सहायता के लिए तैयारी कर ली है, सहायता मिशन एक नाम दिया गया है, जर्मनी स्वास्थ्य सहायता इंडिया को भेजेगी। जी हाँ, इसके अलावा यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी बहुत सारी चिकित्सा सामग्री भेज चुका है इंडिया के लिए, और थाईलैंड, ये जो कंट्री है ये मदद के लिए एकदम तैयार है, ये मदद के लिए सरकार को बोला इंडिया के लिए कि भाई हम जैसे भी जो भी सुविधा होगी हम देने के लिए तैयार है। जी हाँ, और बहुत सारे देशों ने तो भेज चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें आयरलैंड की, जी हाँ, 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक ऑक्सीजन ये आयरलैंड ने इंडिया के लिए भेजे हैं। बेल्जियम की बात करें तो 9000 डोज रेमडेसिविर ये इंजेक्शन होते हैं जो बेल्जियम ने भेजे हैं। रोमानिया की बात करें तो 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन जी लब्जबर्ग 58 वेंटिलेटर भेज चुका है। पुर्तगाल की बात करें तो 50,503 रेमडेसिविर, 50,000 लीटर ऑक्सीजन, जी हाँ 20,000 लीटर ऑक्सीजन। स्वीडन की बात करें तो 120 वेंटिलेटर। जर्मनी की बात करें तो मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट, जी हाँ 120 वेंटिलेटर। ब्रिटेन की बात करें तो 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 140 वेंटिलेटर, जी हाँ ये देश भेज चुके हैं इंडिया के लिए। आगे सुन लीजिए भाई, भारत ने हमारी मदद की हम भी करेंगे, जर्मन के राजदूत ने कहा। इस बीच भारत में पदस्थ जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर ने कहा कि COVID-19 के दौरान भारत ने वैक्सीन व दवाएं बनाकर विश्व में हमारी मदद की है, हम हमारे दोस्त की मदद करेंगे।
हम भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लाने को तैयार हैं, इससे लोगों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। हम विदेश मंत्रालय, रेड क्रॉस व अन्य संगठनों के संपर्क में हैं। इस प्लांट को कैसे लाया जा सकता है? सभी बातों को अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो एक हाथ से है ना ताली बजा के दिखा देना, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ मिलाओगे तो ताली बजती है। अगर आप किसी की हेल्प पहले करोगे तो वो बाद में हेल्प करने की सोचेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इंडिया ने, भारत ने इन देशों की मदद आज से 8-10 महीने पहले कर चुका है। जी हाँ, 80 देशों की मदद इंडिया ने की है, और तभी ये लोग है ना भाग भाग के इंडिया की हेल्प करने की घोषणाएं कर रहे हैं अपने देशों में बैठे बैठे। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी देश से इतनी ऐसी कोई मदद मांगी नहीं है कि आप हमें हेल्प करो, ठीक है। सिर्फ यूएसए का जो कच्चा माल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था कि भाई कच्चे माल की आपूर्ति उन्होंने जो ट्रंप शासन ने रोक रखी थी महामारी के दौरान, उनसे बोला था कच्चे माल की सप्लाई खोल दें ताकि हम वहां से सप्लाई लेके यहां पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें इंडिया में। बाकी किसी भी देश से इंडिया ने कोई ऐसी मदद मांगी नहीं है, लेकिन सभी देश इंडिया को मदद करने को तैयार क्यों है, इसका क्या रीजन है? भाई यूएई भी तैयार बैठा है, ओमान, बहरीन, कतर, मस्कत, बहरीन सब तैयार बैठे हैं अपने बयान के हिसाब से, लेकिन हमारा देश ने पहले से उनको हेल्प कर रखी है, इसीलिए एहसान होता है। भाई आप ट्राई करके देखना, आप अपने ऊपर लागू करना ये बात कि आप अपने दोस्त को किसी के भी मजबूरी में कभी काम आए और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 100% आपकी हेल्प करने की सोचेगा। वरना भाई पड़ोसी देश भी तो है ना, वहां पर भी तो प्रॉब्लम है। हालांकि पाकिस्तान का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी बयान में बोला है कि हम मदद करेंगे भारत की, हालांकि वो तो अपनी मदद कर ले वो भी उनके लिए काफी बड़ी बात है, लेकिन किसी भी देश का बयान आया कि